झारखंड से चलने वाली नई ट्रेनों की लिस्ट, इसके साथ ही झारखंड से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के समय में बड़ा परिवर्तन किया गया है। इन दोनों का पूरा अपडेट हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धनबाद से होकर के चलने वाली ट्रेन एवं धनबाद से आसनसोल के बीच चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब नए टाइम टेबल से होगा। धनबाद से यह ट्रेन रात 9:17 पर खुलने वाली है और यह ट्रेन अब 9:40 पर खुलेगी। 9:17 की जगह पर यह ट्रेन अब 9:40 पर खुलने के साथ ही यह ट्रेन रात 11:05 पर आसनसोल पहुंचेगी। वहीं आसनसोल से धनबाद आने वाली ट्रेन के टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों ओर से चलने वाली यह ट्रेन लोकल मेमू ट्रेन है। ऐसे में आम यात्री इस ट्रेन से सफर करते हैं और टाइम टेबल बदल जाने से यात्रियों को और भी सुविधा होने जा रही है। इसके साथ ही अजमेर कोलकाता स्पेशल ट्रेन की बुकिंग भी शुरू हो गई है। 28 दिसंबर से चलने वाली अजमेर कोलकाता स्पेशल ट्रेन के लिए बुधवार से ही बुकिंग शुरू हो गई है। पहले दिन ट्रेन की लगभग सभी श्रेणियों की सीटें भर चुकी है। कोलकाता से यह ट्रेन 31 से चलेगी। वहीं दूसरी दिशा में यह ट्रेन 25 दिसंबर से टिकट की बुकिंग शुरू हो सकती है। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस कोहरे की वजह से रद्द हो गई है और इस रूट पर कई और नई ट्रेन चलाने को लेकर भी रेलवे बोर्ड ने सुझाव मांगा है। अगर सुझाव पर गौर फरमाया जाए तो इस रूट पर लोकल ट्रेन की सुविधा के बात रेलवे कह रही है और इस रूट पर और भी लोकल ट्रेन को खोला जा सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या जनवरी के महीने में कौन कौन से लोकल ट्रेन चलेगी या फिर पहले की तरह इन सभी ट्रेनों का विस्तार करके इन सभी ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।